सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि बार बार बेहोशी हो रही है, तो बेहोशी से बचने का उपाय बताए हैं कि बार बार बेहोशी कैसे नहीं आए। देखिए, हम तो आयुर्वेद और योग के हिसाब से आपको उपाय बताएंगे। वैसे तो मेडिकल में तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है तो। लेकिन आयुर्वेद और योग में इसका उपाय क्या है, बार बार बेहोशी आती है, तो उसके जो उपाय हो सकते हैं वह मैं इस लिहाज से बताता हूँ। लेकिन ये जानकारी के लिहाज से है, आप संपर्क कर सकते हैं या एकाएक कोई बेहोश हो गया तत्काल जो है क्या किया जाए, ट्रीटमेंट कहीं ऐसी विषम जगह पर है तो उसके लिए जो किया जा सकता है वह मैं आपको उपाय बता दे रहा हूँ। तो पहले योग का उपाय बता देता हूँ कि योग क्या करना चाहिए जिनको बराबर अक्सर ये परेशानी है, बराबर बेहोश हो जाते हैं। तो कमजोरी के कारण भी लोग बेहोश होते हैं। वात रोग इतना प्रकोपित हो जाता है कि नस नाड़ियों में घुस जाता है और माइंड में चढ़ जाता है और वहाँ उसको बेहोश कर देता है। या किसी जगह पर वायु रुक जाती है जिसके कारण खून का वेग को भी रोक दिया जाता है, जिसके कारण बेहोश हो जाता है व्यक्ति। हृदय में भी अगर वायु का तेज संचार हो जाए तो हृदय की भी धड़कन रुकने लगती है और वैसे में भी आदमी बेहोश हो जाता है। या किसी नस नाड़ी में गलत जगह चोट लग जाने से कुछ जो मर्म स्थान होते हैं, मर्म स्थान का भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप उस मर्म स्थान का भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो मर्म स्थान में किसी जगह बहुत अच्छी तरीके से चोट लग जाए, घातक चोट लग जाए, तो भी आदमी बेहोश हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन उसके पहले तो मान लीजिए बेहोशी आ जाती है, कोई जरूरी नहीं है कि मृत्यु हो जाए, लेकिन बेहोशी भी आ जाती है। तो ऐसी जब स्थिति आती है तो योग का उपाय तो यह है कि आप योग का हमारा वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ भी मैं योग करके दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ नाम बता दूंगा आपको। एक तो उज्जायी भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम है, उसको कर लेना है। ओंकार प्राणायाम है, नाड़ी शोधन है, और सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम कर लेना। और ये जो प्राणायाम का जो मैं नाम बता रहा हूँ उसको, जहाँ पर मैंने यह प्राणायाम बताया है वहाँ पर मैंने यह भी बताया है कि इसे कितनी कितनी बार करनी चाहिए। साधारणतः जितनी बार आपकी क्षमता है उतनी बार करें, लेकिन धीरे धीरे क्रमशः इसको आगे बढ़ाते जाएं और 108 बार तक की स्थिति तक पहुँचाने की कोशिश करें। और ग्रीव चक्रासन है, उसको करें, ये अच्छा होता है। सर्वांग आसन बढ़िया होता है, चक्रासन बढ़िया होता है, ये आसन में आपको ये बढ़िया काम देगा। आकाशीय मुद्रा बढ़िया है, द्रुत आकाशीय भी बढ़िया है, चक्रिका प्राणायाम भी इसमें बहुत अच्छा है, फलदायी है, चतुर्मुखी प्राणायाम भी फलदायी है। तो ये जो है ये योग के उपाय हैं, इनको आपको करना चाहिए जिनको बराबर बेहोशी आती है। और ये जो उंगलियां हैं, जो पोर हैं, इस पोर को आपको ऐसे ऐसे जो है किसी सख्त जमीन पर या तख्त पर या टेबल पर इसको आपको ऐसे 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 टक्कर मारनी चाहिए, ताकि जो 108 बार के आसपास तक आप टक्कर मारिए और उससे जो है आपको बहुत फायदा होगा, बेहोशी आने की समस्या बहुत घट जाएगी। अगर तत्काल जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो उसमें उसको क्या किया जाए,
एक प्रश्न यह उठता है कि तत्काल अगर कोई बेहोशी हो जाती है तो उसमें वहाँ तो उसको कुछ उपाय सब हो नहीं सकता है, वह तो उसके लिए है जो कि बराबर बेहोश होता है, तो वह इन योग के उपाय को करता है। लेकिन अगर कोई बेहोश हो जाए तो उसमें तो फिर दूसरे को ही कुछ करना है, तो सबसे पहले क्या किया जाए कि जो नाखून है, नाखून का ही जो पोर होता है, तो यहाँ पर जो है सुई लेके इसको इसमें घुसा देना है, सुई चुभा देनी है नाखून के भीतर, इसमें नाखून और यहाँ जो है बीच का जो गैप है इसमें सुई सुई चुभा दें कई जगह, तो वो उसकी बेहोशी टूट जाती है, वो आ जाता है। और नाक में काफी तीक्ष्ण जो है नस दिया जाता है, नस करता था नाक में कुछ औषधि दी जाती है जो काफी तेज औषधि होती है नाक में डाल देने से। जैसे कि मान लीजिए कि कपूर है वो काफी तीक्ष्ण होता है, उसको नाक में डाल देंगे तो वह बहुत ही फायदेमंद होता है, वह दूर करता है तेज गंध वाली चीज से, उसमें सबसे अच्छा कपूर ही माना जाता है। आंख में अंजन लगा देते हैं, अंजन अंजन भी काफी तीक्ष्ण अंजन होना चाहिए, जैसे कि हल्का सा काली मिर्च का अंजन, काली मिर्च का अंजन लगा देंगे तो वो काफी तीक्ष्ण होता है और आंख को बहुत नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और उससे जो है आपकी जागृति हो जाती है। या काफी तीखा कच्ची लकड़ी है या इन सब चीज का है, उसमें कुछ मिर्च उर्च डाल दिए, धुआं कर दिए, तो ये काफी इसका जो धुआं होता है ये भीतर घुस जाएगा और उससे जो है उसकी बेहोशी टूट जाती है। ये काफी तीक्ष्ण धुआं बहुत ही लाभकारी माना गया है उसके लिए, और जब उसका जब ये हो जाता है तब फिर उसको वहां पर जब उसकी बेहोशी टूट जाती है तो फिर उसको उस धुएं में नहीं रखें, फिर फ्रेश एयर में रखें, लेकिन वैसा हो जाता है। आप उसके बालों को पकड़ पकड़ के खींच सकते हैं, दांत से भी काट सकते हैं उसको, तो वह उसको होगा। या मुंह में कोई जलती हुई चीज, जैसे कि मान लीजिए जल ज्वलनशील चीज, जैसे कि मिर्च हो गया, काफी तीखा मिर्च है, काली मिर्च है या काफी कड़वी चीज है, नीम वगैरह है, इसको डाल दें, या बहुत खट्टी चीज है जैसे बिजोरा नींबू का खट्टापन है, उसको जीभ में डाल दें, तो उससे भी उसके वो बेहोशी उसकी दूर हो जाती है। या फिर जो है केवाँच वगैरह जो है, केवाँच का जो रोमा है उसके देह में रगड़ दें, केवाँच का रोमा से बहुत खुजली होती है, तो उससे भी उसका वह दूर हो जाता है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, वही जो लास्ट उपाय बताया है आयुर्वेद में कि बिच्छू से उसको डंक मरवा दें तो बेहोशी उसकी टूट जाती है। तो उसको बिच्छू का जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, बिच्छू तो हर समय मिलेगा नहीं, तो जो लोग लेकिन गांव वगैरह में तो खैर लोग बिच्छू खोल देते हैं, बिच्छू के बिल में जो है वो भैंस का जो बाल है, पूंछ के बाल है, तो उसका ट्रैप बना करके तरह से उसको जब डालेंगे तो जो बिच्छू का बिल होता है उसे बिच्छू अपना पीछे वाला हिस्सा निकालता है, तो जैसे ही वो निकालता है उसको खींच देंगे तो वो ट्रैप में फंस जाता है और खींचा जाता है, और बिच्छू को आप टांग लेंगे उस तरह से उसके बाल से, उस तरह से बिच्छू को पकड़ा जाता है, तो उसको निकाल करके आप उसको ला करके फिर जो है उसको डंक मरवा सकते हैं। लेकिन ये लास्ट उपाय बताया जाता है, इसको सब पहले नहीं कराना चाहिए, पहले तो यही सब है, लेकिन बिच्छू का विष से तो उसकी बेहोशी तो दूर हो जाती है। होश में आ जाने के बाद उसको जब होश में आ गया तो उसको लहसुन का रस निकाल के और उसको उसमें जो है केसर डाल दें, बिजोरा नींबू का केसर उसको डाल दें, सौंठ मरीच पिपली और पिसा हुआ नमक ये सबको डाल के मिला दें और उसको खिलाएं, इससे क्या होगा कि वह जो है फिर से बेहोश नहीं होगा। कुछ होता है ना, बेहोश हो गया फिर होश आया, थोड़ी देर छोड़ देना फिर बेहोश हो गया, तो अगर इसको कर देंगे तो फिर वह बेहोश नहीं होगा। तो यह जो है बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे मान लीजिए कोई किसी को बहुत नशा भी हो गया है या ऐसे बार बार बेहोशी हो रही है, तो
तो उसका नाक और मुंह बंद कर दें, अमूमन जो है 1 मिनट तक आप बंद कर दें। अवस्था भी देख लें, थोड़ा सा मतलब जवान हो, बहुत ही बुढ़ा हो तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मध्य उम्र का है या जवान भी है तो नाक को इसको घड़ी देख करके बंद कर दें 1 मिनट, तो हड़बड़ा करके वो उठ जाएगा, उसकी बेहोशी टूट जाएगी। लेकिन मान लीजिए 1 मिनट में नहीं टूटता है तो 15 सेकंड और बढ़ा दें, 1.25 मिनट कर दें, तो उसमें उठ जाएगा। अगर उसमें भी नहीं हुआ तो 15 सेकंड और बढ़ा दें इस तरह से, या 10 सेकंड बढ़ा दें ताकि वो उठ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा वो उठ जाएगा, उतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नाक और मुंह बंद दोनों बंद कर दिया जाए तो बेहोशी टूट जाती है। तो यह भी बेहोशी तोड़ने का बहुत ही अच्छा उपाय होता है, लेकिन आपको सटीक जो है ये बंद करने वाला होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, घड़ी देख देख के करना है। तो अगर चला उम्र दराज का है तो 1 मिनट नहीं बल्कि 30 सेकंड ही रुके, 30 सेकंड ही अगर मुंह और नाक को बंद कर दिया जाएगा तो इसमें छटपटाने लगेगा, उसकी बेहोशी टूट जाएगी। तो ये बहुत ही लाभकारी होता है, और बिना ज़्यादा उपद्रव किए ये आसानी से ये बेहोशी टूट जाती है। जब ऐसे व्यक्ति जब होश में आ जाते हैं, हाँ, तो उसको अगर उपलब्ध हो जाए तो स्त्री का दूध उसको दिया जाता है, नाक में उसके डाल दिया जाता है, तो इससे उसके फिर से बेहोशी उसकी नहीं होती है। अगर मृणाल ले लें, यानी कमल की नाल, कमल की जो डंठल होती है ना उसको मृणाल कहा जाता है, उसको ले लें, कमलकंद ले लें, पिपली ले लें, हरड़ ले लें, मधु मिला करके उसको चटा दें, या जवासा नागरमाथा ले लें, शहद को मिला करके चटा दें, काली मिर्च ले लें, बेर की गुठली ले लें, गुठली का जो बीच में गिरी जो होती है मज्जा उसको ले लें, खस और नाक के सर जो है ठंडा पानी उसमें मिला दें और उसको पीने के दें, आंवला का रस भी उसमें मिला दें। तो ऐसा कर देने से क्या होगा कि वो फिर से बेहोश नहीं होगा, बार बार जो बेहोशी आती है वह दूर हो जाएगी। तो शास्त्रों में यही उपाय बताया गया है, और जिसको बेहोशी आती है वो अगर वमन वगैरह उसको कराया जाएगा तो उससे भी सही हो जाता है। तो वमन कराने के लिए क्या है कि ये जो 3 उंगली है इसको डाल देंगे और पानी वानी जो भी पिया है तो सब उल्टी हो जाती है, तो इसका वमन कराया जाता है, तो यह भी फायदा करता है। नस्य भी अच्छा होता है, यानी नाक में जो है देसी गाय का घी अगर डाला जाए तो भी वह व्यक्ति जो है जिसको बार बार फिट आता है, बेहोशी होती है, तो वह दूर हो जाता है। तो ये सब उपाय आप कर सकते हैं। हरिओम।